बाइक से ही घर जा रहे युवक को मधुमक्खियों ने घेरा, आड़ा डालकर किया हमला, युवक हुआ जख्मी। खबर जिला शिवपुरी अस्पताल से आ रही है, जहां एक युवक को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक का उपचार जारी है। बताया गया है कि युवक पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद युवक घायल हो गया है। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के लिए युवक को भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दीपक रजक पुत्र सेवा रजक उम्र 24 साल निवासी ग्राम लालगढ़ अपनी बुआ के यहाँ ग्राम बिलबरा गया हुआ था, तभी वहाँ से अपने घर लालगढ़ लौट रहा था। भावखेड़ी के पास से पेड़ पर लगी मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खी निकल कर आई और युवक पर हमला कर दिया। युवक नीचे गिरा और युवक पर लगातार हमला करती रही। वहीं युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक के पिता सेवा रजक ने एम्बुलेंस को फोन किया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवा रजक। कहां रहती हो? लालगढ़। जो कौन है आपका? लड़का। कैसे क्या खा लिया मधुमक्खी ने? कहां से आ रहे थे आप लोग? बिलवरे से आ रहे थे और लालगढ़ को जा रहे थे। कहां पे? घर को जा रहे थे। तो कहां पे हमला किया? बागेड़ी पे। कैसे भाई? एक सिंह आ गई, उसमें माँ की जगह कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। चलती गाड़ी पे? और क्या, चलती गाड़ी पे। कौन सी मधुमक्खी थी? बड़ी थी। अच्छा, फिर एकदम आ गई, फिर क्या होगा? बस आड़ा डाल ला जाए। अच्छा, वही चल रहा था ना। फिर कैसे भागी? भागे नहीं है, वही जगह पर डाले, फिर मक्खी भाग गई। उसके बाद में तब न उठा और तब अंत डालो। फिर उसके बेरे डंग डंग के रे गाड़ी बुलवाई, फिर हॉस्पिटल से गाड़ी बुलवा गए, तब उसको ला गए, तब बातचीत किया है। बिलवरा क्यों गए थे? अब वैसे घूमने चले गए। कौन के? हमारी बहन है। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ कहाँ पे खा लिया इसको? मुँह में खाया, हाथ में, मुंह में। और लोगों को भी खाया गया वहाँ पे? और लोगों को, बच्चे बता रहे, दो बच्चे भी खाए थे। तो एकदम आक्रोशित कैसे हो गई मधुमक्खी? क्या पता, उस ऊपर वाले को पता हो, ये पता नहीं आपको। कहीं आसपास लगी थी? ऊपर लगी थी पेड़ में, वो पेड़ पे। जैसे और लोग भी निकल रहे होंगे रास्ते में, उनको नहीं खाया? बिल्कुल नहीं, इसी को ज्यादा खाया।